अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जोहास किचन। आज की जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है मेथी का पराठा, यानी कि मेथी पराठा। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक प्याला जो है, हमने मेथी ली है, उसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धुल के उसका सारा पानी निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। एक प्याला हमने आटा लिया है, गेहूँ का आटा है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है नमक, अजवाइन, लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला, 2 चम्मच दही है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिसे कि हमने काट लिया है, लहसुन अदरक पेस्ट है, और ये है धनिया पत्ती, अदरक लहसुन पेस्ट। तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से रखेंगे, जैसा आप तीखा पसंद करते हैं और जैसा आप नमकीन पसंद करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है एक खाली बर्तन, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये, क्योंकि चीज़ें मिक्स करने के लिए बड़ा बर्तन जो है वो आसानी रहती है चीज़ों को मिक्स करने के लिए। तो हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे मेथी ली, यानी कि मेथी की पत्तियाँ, आटा, हरी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, नमक, अजवाइन, धनिया की पत्ती, दही, अदरक लहसुन पेस्ट, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर सकती हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली है, उसे हम अच्छे से देखिए मिक्स कर लेंगे। हाथों को हमने अच्छे से धुल लिया है, तो हम इसे हाथों की मदद से ही मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे, सॉफ्ट सा आटा जो है वो हम गूंद लेंगे यहाँ पे। आटे को यहाँ पे हमने अच्छे से लगा लिया, आप देख सकते हैं। इसे हम 20 मिनट के लिए कवर करके, यहाँ पे गीला कपड़ा है इससे हम इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे जब तक हमने इसे रेस्ट के लिए रखा है, तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आटे को रखे हुए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे अब कर लेते हैं साइड में। यहाँ पे हम इसके इक्वल साइज बॉल बना लेंगे। ऐसे और रखते जाएंगे बना बना के सारी। यहाँ पे जितने भी हमने बॉल्स बने हमने सारे बना लिए हैं, और साइड में हमने रखा है खुश्क आटा, यानी कि सूखा आटा। इसमें हम बॉल्स को रोल करेंगे, इसे हम रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे हम अपनी बॉल्स को उठाएंगे, इसको सूखे आटे में रोल करेंगे। और इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही पतला सा हमने रोटी जैसा हमने बॉल बनाया था। तो यहाँ पे ये हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम आपको सेक के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने तवे को गर्म होने के लिए रख लिया है, इस पर हम डालेंगे अपनी पराठा। इसे हमने हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, ताकि ये
हल्की आंच पे जो है पराठे जो है वो अच्छे से क्रिस्प होते हैं। आपके पास अगर मेथी नहीं है ताज़ी मेथी, तो आप इसे सूखी मेथी से भी बना सकते हैं, जैसे कि कसूरी मेथी हुई, आप वो भी ऐड करके पराठा बना सकते हैं। इस पे हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं लगाएंगे इस पे। इसे हम फिर से फ्लिप करेंगे और बैक साइड पे भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है, इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे अचार के साथ सर्व करें, आप इसे रायते के साथ सर्व करें। यहाँ पे हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हल्के हल्के आंच पे आराम से जो है सिक रहा है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, देख सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने सारे जो हैं वो पराठों को सेक लेंगे। तो ये जो हमने बताया वो आपको बताया था सादा पराठा, अभी हम इसको फिर से आपको दूसरा बता के दिखा रहे हैं। देखिए इसको हमने रोल किया, थोड़ा सा खुश्का लगाया, यहाँ पे बीच में हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा इस पे स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे। आप इसे ऐसे भी बना सकती हैं। इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे। इसे भी हम सेक लेंगे। तो अपने सारे पराठों को ऐसे ही सेक बना के सेक लेंगे। इसमें जो हमने दही ऐड की है वो इसका जो थोड़ा तीखापन रहता है मेथी का, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे दही को ऐड किया है। ऐसे ही हम हल्का हल्का ऑयल लगा के इसको अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है ये और अच्छी भी लगती है खाने में ये रेसिपी। इसे हम फिर से फ्लिप कर लेंगे, साइड से भी पलट के सेक लेंगे।
यहाँ पे देख लीजिए, पराठा हमारा जो है वो तैयार हो गया। इस तरह अपने साए पराठे बना लेंगे, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। हमने इसे सर्व किया रायते के साथ, आप इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।